फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सर आशीष श्रीवास्तव। मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो करीब 12 तारीख के आसपास मैं ऑफिस से शाम को लौटा। मेरे को थोड़ा बुखार था, फीवर था, तो रात में चेक किया तो करीब 104 तक चला गया था फीवर। फिर मैंने कुछ दवाई ली एज़ पर एडवाइस बाई माई डॉक्टर्स एंड मैम। मेरा ब्रदर भी सर्जन है, तो उन्होंने मेरे को कुछ आइडिया दिया। तो अगले दिन फिर मेरा फीवर रात में 100.4 तक गया। फिर बुधवार को करीब मैंने टेस्ट करवाया, रैपिड एंटीजन टेस्ट, तो मेरे को कोविड पॉजिटिव आया। उसके बाद मैंने डॉक्टर की सलाह से 5 दिन का जो कोर्स था वो मैंने दवाइयाँ कंप्लीट की, आइसोलेट रहा, होम क्वारंटाइन रहा करीब 5-6 दिन। उसके बाद फिर मेरे को तबीयत थोड़ी सही लग रही थी, लेकिन फिर मेरे को खांसी बढ़ गई, तो और थोड़ा बहुत ज़्यादा फिट नहीं फील कर रहा था मैं। तो एक दो डॉक्टर से कंसल्ट किया, कंजन सर से और अपने भाई से भी, तो उन्होंने फिर मेरे को यहाँ पे सरस्वती हॉस्पिटल का एडवाइस किया। तो फिर मैं मंडे को यानी कि 19th को यहाँ पे आया। मेरा सिटी स्कैन वगैरह और बाकी जो फॉर्मेलिटी टेस्ट वगैरह थी वो हुई, और फिर मैंने एज़ पर डिस्कशन हम फिर यहाँ पे मैं एडमिट हो गया, और करीब एक हफ्ता तक यहाँ पे एडमिट था। आज मेरे को यहाँ से डिस्चार्ज मिल रहा है, तो अभी मैं काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मेरे को, तो अभी मैं फिट फील कर रहा हूँ। बाकी डॉक्टर ने बोला कि आप 4-5 दिन और रेस्ट करिए, घर पे क्वारंटाइन रहिए, 4-5 दिन बाद आइए, फिर आपको एक बार और चेक करेंगे और आपको फाइनली देख लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।